हे एवरीवन, नमस्ते जी। राधे राधे, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज है संडे मॉर्निंग, तो काम सारा संडे वाले दिन आप लोगों को पता ही है थोड़ा सा लेट हो जाता है। और आज तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया, क्योंकि आज ना ये जो मैंने पौधे लगवा रखे थे, तो पौधे वाले भैया आए थे, तो थोड़ी सी उनकी खुदाई वगैरह करवाई, रुपाई करवाई। पौधे ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो उसमें उन्होंने खाद वगैरह डाली और बहुत बेकार से हो गए थे, रफली कहते हैं ना जिसे। तो होता है ना कि मतलब जब ज़्यादा ही अपने आप से नहीं होती चीज़ें, तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो उसकी देख रेख के लिए, अच्छी खाद के लिए मैंने फिर भैया को बुलाया। तो अभी इधर वो भैया गए ही थे और मैं लगी फिर अपने काम करने में, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो उसके साथ खड़े होकर पूरा काम करवाना होता है। तो आज संडे का दिन था और जो मेरे काम हैं वो किचन से ही स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ छोले और चावल, क्योंकि पिछले संडे को बनाए थे भटूरे। तो अभी भटूरे वगैरह कुछ नहीं बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। कल भी रात ना पकौड़े बन गए थे, बच्चे तो कह रहे थे भटूरे बना लो, बट वही होता है ना, बनाओ तो फिर खाने पड़ते हैं, इसीलिए मैं भटूरे वगैरह नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ छोले चावल। तो छोले ही बनाए थे मैंने, और दोनों तरह के बनाए थे, एक प्याज लहसुन वाले और एक टमाटर वाले। तो अभी छोले मेरे बन चुके हैं दोनों तरह के। तो छोले में तड़का वगैरह लगा दिया था बहुत बढ़िया से, प्याज लहसुन वालों में खूब अच्छे से बना दिए, अपनी तरफ से अच्छे से बनाए। अब देखो, खा के पता चलेगा, बच्चे बताएंगे कि कैसे बने हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ काउंटर की क्लीनिंग, क्योंकि काम हो गया लेट। तो जब काम लेट हो जाता है ना, तो हमारे अंदर, हम औरतों के अंदर ऐसा होता है, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और क्या होता है कि जब काम करते करते, और एक तरह से काम और जल्दी होता है जब हस्बैंड से लड़ाई हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हो गया था, मतलब बातों बातों में जैसे बहस हो जाती है, तो थोड़ी सी बहस हो गई और फिर उसके बाद तो मेरे काम करने की स्पीड इतनी तेज हुई, मैं मतलब लड़ती लड़ती मैं इतना सारा काम कर गई। आधे घंटे में मेरी रसोई का जो काम था ना, ये बर्तन वगैरह साफ करने थे, काउंटर साफ करना था। तो गुस्से में ना, एक कहते ना, एक एनर्जी बढ़ जाती है। वैसे मैं नहीं कहती कोई गुस्से में काम करो, बट जब गुस्सा आ जाता है तो काम और जल्दी जल्दी होने लग जाता है। और बस यहाँ पे ये बर्तन वगैरह साफ़ हो गए सारे, इसी कहते हैं ना कि कई बार गुस्से में बहुत काम अच्छे भी हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब मेरे को गुस्सा आता है ना, तो मैं पता नहीं कितने काम, अपना गुस्सा जो है मैं घर के काम पे निकाल देती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, अभी ये जार वगैरह धो रही थी। तो फिलहाल मैं सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि हो गई हूँ लेट। जब हम लेट हो जाते हैं ना, तो फिर लगता है भाई अब जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, क्योंकि 9:30 बजे से लगे ना 10 बजे तक तो वो भैया ही गए थे। फिर उसके बाद फिर लगी थी मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करने में। तो आज पूरा 1 बजे मैं पूरा निपट पाई, और 1 बजे के बाद ही फिर ये एडिटिंग, क्योंकि काम मेरा जब निपटना है ना, उसके बाद ही मैं एडिटिंग शुरू करती हूँ। क्योंकि जब काम वगैरह सारा निपट जाता है ना, खाने वाने का भी, तो छोले चावल बनाने थे, तो खाने का भी अब ये था कि रोटी वगैरह नहीं बननी, और जिस दिन रोटी नहीं बननी तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स रहता है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो रसोई का काम तो निपटा, और रसोई का निपटने के बाद क्या होता है ना, एक टेंशन सी खत्म होती है। तो अभी ये बर्तन बिना मैं साथ के साथ पोछ के लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा जो किचन है वो साफ़ करना है। और बस अभी फटाफट से ये लगा रही हूँ, और मैं डुग्गू से कह रही थी कि तू थोड़ा सा ना चौक वगैरह साफ़ करवा दे, और बच्चे होते ही ऐसे नहीं सुन रहा था, बिल्कुल नहीं सुन रहा था। फिर फाइनली बहुत होता है, छुट्टी वाले दिन अगर लेट हो जाओ तो काम हमें ही करने हैं, और फिर लेट में ऐसे लगता है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि काम अगर और ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर पूरा दिन ही घर की क्लीनिंग में निकल जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर बाहर वाले वॉश बेसिन पे, और बाथरूम भी मैंने क्लीन करना है, तो वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर दिया है पूरा।
और अच्छा मेरा ना क्या होता है कि मतलब दो बाथरूम तो रेगुलर यूज़ होते हैं, एक इस वाले में मम्मी नहाती है और दूसरे वाले में हम लोग नहाते हैं, तो ये बाथरूम एक ही दिन ही मिस होता होगा, तो ना होता हो बस इस साफ रोजाना करना पड़ता है। जो मेरे रूम वाला है वो वाला मैं एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ, बट ये वाला जो है ये मेरा एक भी दिन मिस नहीं होता, क्योंकि रोजाना ही इनकी क्लीनिंग मुझे करनी पड़ती है। और फिर नहाने के बाद क्या होता है, जैसे फर्श पे थोड़ा साबुन वगैरह लगा रह जाता है या गंदगी लगी रह जाती है, तो इससे तो अच्छा है कि अभी मैजिक मोप से रोज इस फ्लोर की क्लीनिंग कर दो आप, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस अभी यहाँ पे ये वाला बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा, इसके बाद जो मेरी बारी है वो हॉल वगैरह क्लीन करने की है। और घर के देखो काम सारे हैं, छुट्टी वाला दिन हो चाहे बिना छुट्टी का हो, और छुट्टी वाले दिन तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि उस दिन काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे जने घर में रहते हैं और जब सब चले जाते हैं ना तब काम बहुत अच्छे से होता है, जब रहते हैं तो काम करने का ना एक तो क्या होता है कहीं से काम निपटने का नाम ही नहीं लेता। तो अभी मैं बच्चों को जैसे नहला धुला दिया था, सारे नहा लिए दोनों और नाश्ता वगैरह भी हो गया था, फिर मैं उनको यही कह रही थी कि आप अपने अपने रूम में अब तुम लोग बैठ जाओ, क्योंकि मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। और जब सफाई करते हैं ना फिर कोई भी घूमता है पैर बनाता है तो मेरे को आती है गुस्सा, मेरा मन ये करता है जब मैं सफाई करूँ तो मेरे सफाई के टाइम पर कोई भी ना घूमे, अपना सब बैठे रहे या कोई भी कुछ भी है कोई काम करते रहे, मगर बट जब पोछा वगैरह लगाओ ना तो बहुत गुस्सा आती है, किस किस को आती है प्लीज़ बताना। पोछा लगाते टाइम बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि हमारा जो पोछा लग रहा है इस पर किसी के पैर के निशान ना बने। तो अभी साथ के साथ मैं ये जो गेट वगैरह हैं इनकी भी हमें रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है, हल्की हल्की सी मिट्टी चढ़ रही थी और इसको भी मैंने साफ साथ के साथ सारा साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे ये वाला बाथरूम भी हो गया क्लीन, अब जो बारी है जी, अभी आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में और इस रूम की हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी सुबह क्या हुआ है, इस मशीन को मैंने इसलिए रखा है कार्तिक का ना एक निक्कर जो है वो उधड़ रहा था, तो उसके निक्कर की सिलाई लगाई है, और पता है क्या कह रहा था, कह रहा आज यही वाला पहनूंगा इसको सिल कर दो। तो फिर सुबह सुबह सारे काम छोड़ के उसका फिर मैंने निक्कर पर सिलाई लगाई है, और आज एक और मिस्टेक हो गई कि इस तकिए का ना पिलो कवर नहीं मिल रहा था मेरे को, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, इस वाली बेडशीट का एक मिल रहा था एक नहीं मिल रहा था। फिर अब मैंने कहा चलो बिछा देती हूँ, मिलेगा ढूंढूंगी कपड़े वगैरह में तो मिल ही जाएगा। और बहुत बार पता क्या होता है, मैं जैसे कपड़े वगैरह तो फोल्ड कर देती हूँ और जैसे बैल्कनी में कपड़े सुखाती हूँ ना कई बार उड़ भी जाते हैं कपड़े, तो अब ऐसा दिमाग में आ रहा है मेरे कहीं वो उड़ के बाहर चला तो नहीं गया सड़क पर, क्योंकि मैं जितना मर्जी भी पिन वगैरह आप क्या कहते हैं वो कहते हैं ना जितनी भी चिमटी वगैरह लगा के रखो तब भी ये ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे इस रूम की अभी बेडशीट बिछा दी है, और पूरे घर की ना सफाई अभी रह रही थी, सिर्फ मैंने इसी रूम से स्टार्ट करा था क्योंकि आधा पोर्शन में कराई थी, और घर का जैसे खुला घर है बड़ा घर है तो रोज़ ही ना काम मेरा सफाई का बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं खुद सोचती हूँ कि मतलब रोज़ की मैं इतनी सफाई बढ़ा लेती हूँ क्या चक्कर होता है, क्योंकि घर का कोई सा भी पोर्शन आप छोड़ते हो ना जिधर रह रहे हो खासकर ऊपर नीचे हो तो फिर ये रहता है चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे, बट जब घर में जिस फ्लोर पर आप रहे हो ना तो और सारी ही चीज़ें यूज़ हो जाती हैं उसमें, क्या होता है कोई भी रूम जो होता है आप किसी भी रूम में घुस जाओ, चाहे ड्राइंग रूम है चाहे हॉल है चाहे आपने कोई स्टोर रूम भी बना रखा है, तो वही मेरे साथ होता है। और के काम ना करते करते भी ना काम इतना बढ़ जाता है कि मेरे को अपनी ही जान को कह लो मुसीबत में बढ़ा लेती हूँ, ऐसे ही मेरे साथ रोजाना होता है। तो आज ना यही हो रहा था कि मैं ये वाला रूम आज छोड़ देती हूँ, ऐसे लग रहा था मेरे को अपना बेडरूम छोड़ दूँ, और जब मैं गई उस रूम में तो फिर वो भी फैला हुआ दिख रहा था, फिर लगा मेरे को नहीं अभी इसे भी समेट लेते हैं। और अभी ये सारे काम करने के बाद मुझे छज्जे साफ़ करने हैं, जो बैल्कनी में पौधे भैया सही करके गए थे ना सारे छज्जे पे बिल्कुल बुरा हाल हुआ पड़ा था, मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो अभी वो सारी चीज़ें भी मुझे साफ़ करनी है, पूरा जो वहाँ खराब हो गया है सारा धूल मिट्टी से।
तो चलिए अभी पहले ड्रेसिंग की डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। इसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं, ये रोज ही क्लीन होता है। और अब पता है दिन में दो बार क्लीन होता है, बल्कि एक बार भी नहीं, दो बार। इवनिंग में भी मैं शाम के टाइम इसको सेट कर देती हूँ, जैसे बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं रेडी होके, तो वहीं पर सारे कंघे वगैरह सब ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जी चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करना। तो जी यहाँ पे घर का काम निपटा और इतने में लग गई कार्तिक को भूख। तो सबसे पहले वही होता है ना माँ के लिए, अगर बच्चों को भूख लग रही है तो काम छोड़कर भी खाना देना पड़ जाता है। तो खाना मेरा रेडी हो गया था बिल्कुल, और मैं दोनों को खाना दे रही थी, छोले और चावल। और तो जी मेरा तो ये है, अभी मैं पहले घर का काम निपटाऊंगी पूरा और नहा धोकर तभी मैं कुछ खाऊंगी या पीऊंगी। तो अभी मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ खाना, फिर इसके बाद मुझे ये बर्तन वगैरह साफ करने हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और जब कल तक के लिए बाय बाय।